आ रही है, लोग भाग रहे हैं। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मतुल मुबारक, रमजान का आखिरी जुम्मा, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, 39 टेम्परेचर है। रिसेप्शन पर जाता हूँ और चेकआउट का प्रोसीजर उसको फॉलो करता है। रिसेप्शन वाली को मैंने कार्ड वापस कर दिया रूम का, चेकआउट सभी सामान लेके नीचे आ गया, सब सामान इधर रख दिया मैंने। अब मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही आएगा तो सामान इस पर रख के तो फिर टैक्सी वाले को कॉल करूँगा, टैक्सी आएगी तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। कहाँ जा रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने जा रहा हूँ। अब मैं मदीने जा रहा हूँ। मेरे कमली वाले की जी, हमने स्टॉप किया रास्ते में, मदीना जाते हुए एक स्टॉप किया हमने। ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मस्जिद है जहाँ असर की नमाज पढ़ी है। एक पेट्रोल स्टेशन भी है पीछे, और पीछे हमारे एक रेस्टोरेंट है। गर्मी बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह से रश है, बहुत ज़्यादा रश है। इवन के टॉयलेट, वजू वाली प्लेस, बहुत ज़्यादा रश है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के आका जग सवाली है, दो जहां के आका है, सारा जग सवाली है। मदीना पहुंची है मैं, होटल चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज हो रही है लेट, तो वो मैं क्या पढ़ लूँ, थोड़ा लेट पहुंचा हूँ मदीना, तो इंशाल्लाह जाके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर मस्जिद नबी में आ गया हूँ मैं, और माशाल्लाह जो मस्जिद का व्यू है मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, जो खूबसूरती है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे शुरते ने बताया, उससे मैंने पूछा कि मैं रोज़ा रसूल की ज़्यारत कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना था शायद ये मैंने रोज़ा रसूल की ज़्यारत को बंद किया हुआ, ईद तक शायद बंद होगा, ऐसे ही मैंने सुना था। मुझे उसने बताया कि रोज़ा रसूल ज़्यारत हो रही है, मैं कहा मैं जा सकता हूँ? कहता हाँ जा सकते, क्यू अप करना पड़ेगा मुझे। तो मैं तो भागा हूँ, मैं कहा सबसे पहले सलाम पेश करूँगा, फिर मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, सारी क्यू लगी हुई है, सारी रोज़ा रसूल की तरफ जा रही है। मैं तकरीबन मस्जिद के अंदर चला गया था, लेकिन मैं वहाँ से वापस आया हूँ भागा हूँ, कि मुझे पता लगा कि एंट्री हो रही है, लोग जा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आते साथ ही मुझे मौका मिल गया कि मैं सलाम पेश कर सकता हूँ। मैंने सुना है किसी से रोज़ा रसूल में एंट्री जो होती है फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने रोकी भी है। अल्लाह का शुक्र है मुझे मौका मिला आते साथ ही। और सुभान अल्लाह, हाँ 3 साल बाद देख रहा हूँ मैं, सुभान अल्लाह। राजुल जन्ना मेरे भाई जाने फ्रेंड लगाया, ब्लॉक किया, दिस इज सो अमेजिंग। इतने सालों बाद देखने को मिला, टीवी पे कैमरे में देखा था, लेकिन जो आप लाइव आपके देखोगे उसका मजा अपना है। माशाल्लाह, बहुत हरी मोहम्मद।
الحمدللہ اتنا ٹھنڈا مزیدار پانی ہے پیچھے ماشاءاللہ دیکھیں مسجد کھول دی टाइम रात के 2 बज रहे हैं माशाल्लाह से रास्ते का रमजान के मनाज़िर हैं मस्जिद से रात के आप ये अच्छा चल रहा ब्रेकफास्ट की सहूर की वीडियो बना रहे क्योंकि उन्होंने सामान सारा उठा लिया मोस्टली
योगर्ट था, केक, काफ़ी केक्स है, डिफरेंट किस्म के बहुत केक्स हैं। ये आई थिंक ये भी कोई योगर्ट है, काफ़ी चीज़ें ये फिनिश हो गई। ये भी पाइन एप्पल है, ये इमली की चटनी लग रही है, एप्पल वगैरह पाइन एप्पल, ये केक का कहेंगे केक लग रहा है। इधर से सैलेड्स वगैरह हैं, डिफरेंट किस्म की हमस लग रही है मुझे। ये बन थे, पड़े हैं सारे बन, नहीं पता नहीं क्या चीज़ है, मेरा टेस्ट आई नहीं वैसे भी, जो भी है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाकी सारी सर्विस मोस्टली इधर ही सैलेड्स हैं और स्टार्ट होगा। ब्रेड ये पता नहीं जी अरबी कोई होगी, हलीम की तरह ही आप कहते हैं। एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइस और फिश तकरीबन फिनिश है। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस वन, कड़ी ना हो या कोई ऐसी चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मिल्क की टाइप। ये बेक पोटैटो है, सॉरी ये नाम लिखे हुए क्रीम ऑफ चिकन सूप, लगता तो किसी पास नहीं कि चिकन सूप है। सॉसेज हो गए, बोल्ड एग, ये हो गए गरम आटे, बीफ होता है ना सर, सरूर में चिकन लेग्स लाते लोगे इसका तो मुझे पता। ओह व्हाट इज दैट, ये क्या रोस्टेड पोटैटो, नॉट इंटरेस्टेड। बस ख़त्म हो गया, देखो वो ज़बरदस्त सिस्टम था इधर, भाई लगा रहे थे अंडे फ्रेश बना के दे रहा था, मैंने तो ले लिया उसे, मैं तो खा चुका हूँ, तो कुछ बंद हो गया और मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया था। आपका भाई मैं शायद लेट ही आता खाने, कॉफ़ी शॉफ़ी चाय चूय पीनी है आपने, अगर जूस भी है माशाल्लाह काफ़ी, एप्पल है, ये ऑरेंज है, मैंने ये पिया, ये मैंने नहीं पिया, ये मुझे पता नहीं कौन सा है। कप्स पड़े हुए हैं डिस्पोजेबल, कितने इधर भी पड़े हुए, जितना मर्जी खाएं पिए कोई मसला नहीं है। पोस्टर्स वगैरह वो उधर पड़े हुए थे, वो पीछे करके पड़े हुए पीछे, लिप्टन येलो टी। बस यही है नाश्ता में, इधर भी कोई चिकन लगा हुआ था लेकिन बहुत हार्ड था, मैंने थोड़ा ट्राई किया बहुत हार्ड था, मैंने सामान सारा उठा लिया, ख़त्म हो गया क्योंकि मैं लेट था, मैं तो सबसे पहले अपना खाऊं, वीडियो देखेंगे अगर बना सका मैं तो बना लूँगा, अगर नहीं बना सका तो नहीं बनाएंगे, बता देंगे बस। नाश्ता कर लिया हमने, सहूर हो गई है, निकल रहे हैं अब यहाँ से। ये ले जी, ये इसका एग्जिट है, आपको हम बाहर से भी दिखा देते हैं क्या याद करने, ओ लॉबी देखेंगे, ये होटल की लॉबी है, अच्छा होटल, अच्छी लॉबी है इसकी, सर्विस इनकी अच्छी है मुझे पता, लास्ट टाइम भी इनके पास स्टे किया था मैंने 3 साल पहले। इधर बैठना, इधर बैठ जाए, और आपको अगर इधर बैठना तो इधर भी जगह है, काफ़ी जगह है, एक और जगह इधर भी है, ये अंदर इधर भी आप बैठ सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, इधर आपको आएंगे इधर खड़ा होगा उसको बताना है भाई नाश्ता करने आया हूँ मैं भूखा हूँ, तो वो फिर आपको बताएगा सर आप उधर चले जाएं, पहले रूम नंबर पूछेगा फिर कहेगा सर चाहें जो मर्जी खाएं। लिफ्ट्स बड़ा मसला करती है यार, ये लिफ्ट्स होटलों में कितनी कितनी देर वेट करना पड़ता है लिफ्ट का। निकलते हैं लिफ्ट्स आगे, आपके भाई को एक आइडिया आया, ये ग्राउंड देखे ना सर, ये वैसे तो ऑब्वियसली गुजरने की जगह है रूम से आमने सामने, लेकिन ये
क्रिकेट के लिए बेहतरीन ग्राउंड बन सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपस की बात है वैसे, किसी को बतानी नहीं आता। ये क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन जगह बनेगी भाई, ये चेक करें, अच्छी चीज़ है। और साथ ही ये चेक करें, ये कैसा काम हुआ है। ये तो माशाल्लाह से हाल है, किस तरह बाहर रख देते हैं गंद। पहले मक्का वाले रेस्टोरेंट में इसमें भी सही नहीं था, गंद लोग बाहर रख देते हैं। चार रूम छोड़ के वो भी ऐसे ही बाहर, कितना कितना फूड ज़ाया करते थे रमज़ान में। सुबह मिलते हैं, नमाज फजर हो गई है, नमाज फजर पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमेशा की तरह लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं बस। हाँ भैया जी, मुबारक हो। ये मस्जिद नबी में रेनोवेशन हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इवन के अंदर से भी मैं जब नमाज पढ़ रहा था मैंने देखा तब्दीलियाँ काफ़ी हुई हैं बीच में, बहुत खूबसूरत लग रही है। 3 साल बाद देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। ये रोशनी ब्राइटनेस कितनी है माशाल्लाह। गुंबद खज़रा इस तरफ, सारा रास्ता बंद कर दिया, सारा रास्ता बंद कर दिया। पहले मैं इधर से गया था इस तरफ से, अब इधर से जाना पड़ा है इतनी ऊपर से। मुझे नहीं बल्कि सबको अब ऊपर उधर से ऐसे राउंड लेके जाना पड़ेगा। हमें जल्दी से जाते हैं, जगह लेते हैं। समझ नहीं आ रही है लोग बात में, ये भागना बंद ही नहीं कर रहे अभी तक से। माशाल्लाह इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। मैंने पता कर लिया क्या वजह से जाने की, वही वजह थी रोज़े रसूल पे लोग जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी हो आया, लेकिन आप देखेंगे रश देखें, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। फजर की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं कर रहा हूँ 2 बजे के करीब, और अभी टाइम तकरीबन 5 बजे हैं। और ये देखें माश रश, क्यू देखें हम कैसे कि जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे के अंदर आ गए और जा रहे हैं अब सोने के। तो मैं हम आ गए ऊपर रूम में, जा रहा हूँ मैं। व्लॉग को अब मैं यही एंड करूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे।